नमस्कार, मैं लोकेश कुमार। आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, जिसे हम आज अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज 15 अगस्त 2022 75वीं वर्षगांठ। तो सब लोग, ये जो स्वतंत्रता हम लोगों ने पाया है, जिस स्वतंत्रता के तहत आज बोलने की आज़ादी हमें संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए उन लोगों को भी नमन करता हूँ और उन लोगों का भी नमन करना है जिन्होंने अपनी बलिदान फलस्वरूप इस देश को आज़ाद कराया। न जाने कितने लोग 100-200 वर्ष तक संघर्ष के फलस्वरूप हमारा देश ये आज़ाद हुआ। आज आज़ादी की अभिव्यक्ति, मतलब हम अब स्वतंत्र हैं कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं थी जब हम गुलाम थे। आज उस गुलामी से दूर हम उसी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। और इसे इस तरह निरंतर जारी रखते हुए, इस आज़ाद भारत का एक अच्छा नागरिक होते हुए, देश के संविधान को मानते हुए, अच्छा काम करते हुए, देश की प्रगति को देखते हुए और खुद की प्रगति को एक नया आयाम देते हुए आप आगे बढ़ें, सब लोग खुश रहें और अपने देश के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करें, प्रगति हो, उन्नति हो और सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज मैं 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं लोकेश कुमार। जय बिहार, जय मुंगेर।